डियर स्टूडेंट्स आई वेरी वन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई टूडेज लेक्चर ऑफ बिजनेस स्टेटिस्टिक्स इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द फर्दर न्यूमेरिकल्स ऑन मीडियन द क्वेश्चन नंबर सिक्स इन दिसरेंस इज कम्प्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा तो यहाँ पर आपको डेटा दे रखा है उसके रिगार्डिंग आपको मीडियन कैलकुलेट करना है मीड मिड वैल्यूज दे रखें वन फिफ्टीन वन ट्वेंटी थर्टी फाइव वन फोटी फाइव अपन नाइन्टी फाइव तक और फ्रिक्वेंसी दे रखी है इस रिगार्डिंग सिक्स ट्वेंटी फाइव फोर्टी एट अप टू डैस थ्री तक क्योंकि यहाँ पर मुझे मीडियम निकालना है मिड वैल्यू दे रखी है तो पहले तो मुझे इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा तो क्लास इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे पहले देखिए मिड वैल्यूज में डिफरेंस कितने दे रखा है एक सौ पंद्रह फिर एक सौ पच्चीस दस का डिफरेंस है अब एक सौ पंद्रह अगर मिडिल वैल्यू है और दस का डिफरेंस है तो इसका मतलब पाँच और पाँच का डिफरेंस होगा एक सौ पंद्रह और पाँच एक सौ बीस और एक सौ पंद्रह में से पाँच माइनस कर दो एक सौ दस तो जो मिड जो आपके क्लास इंटरवल हो गया वो हो गया 110 से 120 क्लियर हो गया बहुत सिंपल तरीका है तो ये आपका क्लास ग्रुप आ गया वो आ गया 110 से 120 टू ज़ीरो ऐसे देखो अगला क्लास क्या होगा 125 है तो 5 माइनस करोगे 120 टू ज़ीरो प्लस कर दोगे 130 सिंपल ऐसे ही अगला क्लास होगा वन से वन और तो कोई बात ही नहीं है इसको कॉन्टिन्यूस में भी आगे बुलाते चले जाते हैं वन 150, वन फिफ्टी वन फिफ्टी से वन सिक्सटी वन सिक्सटी से वन सेवेंटी वन सेवेंटी से वन एट्टी वन एट्टी से वन नाइन्टी और वन नाइन्टी से हो जाएगा ये आपका टू हंड्रेड क्लियर हो गया अब हम इसकी फ्रिक्वेंसी नोट कर लेते हैं सिक्स ट्वेंटी फाइव फोटी एट सेवेंटी टू वन वन सिक्स सिक्सटी थर्टी एट ट्वेंटी टू एंड थ्री अब मुझे इसकी सी एफ निकालनी है क्यूकुट फ्रिक्वेंसी सिक्स में ट्वेंटी फाइव ऐड कर दोगे पच्चीस छः इकतीस आठ और एक नौ चार तीन सात सेवेंटी नाइन आएगा नौ दो ग्यारह का एक सात सात चौदह पंद्रह का पाँच एक सौ तो इक्यावन इसमें ऐड कर देंगे सिक्स वन सेवन फाइव वन सिक्स और वन वन टू सिक्स सेवन इसमें साठ ऐड कर देंगे सेवन सिक्स और सिक्स ट्वेल्व पर टू टू और वन थ्री थ्री ट्वेंटी सेवन इसमें थर्टी एट को प्लस कर देंगे आठ सात पंद्रह तीन दो पाँच और एक छः थ्री सिक्सटी फाइव इसमें ट्वेंटी टू को ऐड कर देंगे पाँच और दो सात और छः और दो आठ थ्री एट्टी सेवन इसमें थ्री को प्लस कर देंगे तो ये आएगा आपके पास थ्री नाइन्टी तो इस तरह से आपके पास ये सी एफ की वैल्यू आ गई और जो लास्ट सी एफ है थ्री नाइन्टी ये किस को करेगा इट विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एन ठीक है अब मुझे निकालनी है इसके अंदर मीडियन क्लास तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है दैट इज साइज ऑफ एन अपॉन टूवे एन अपॉन टू का मतलब कितना जाएगा थ्री नाइन्टी अपॉन ट्री नाइन्टी अपॉन आएगा साइज ऑफ दो एगम दो नह और तो पंचय दस वन नाइन्टी और वन नाइन्टी फाइव देख लीजिए किस में आएगा इसमें नहीं आएगा इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं इसमें इस इस आएगा तो वन फाइव है वो टू सिक्सटी सेवन वन नाइन्टी फाइव से ज़्यादा है तो वन 267 फाइव टू सिक्सटी सेवन में इंक्लूड होगा और टू के सेवन करस्पॉन्डिंग क्लास ग्रुप है वन फिफ्टी टू वन सिक्सटी तो मीडियम क्लास हो गई आपकी दैट इज़ इक्वल टू वन फिफ्टी टू वन सिक्सटी क्योंकि ये काउंट हो जाएगा तो मीडियम क्लास वन फिफ्टी से वन सिक्सटी के बीच में ये कैलकुलेट हो गई अब जब मीडियम क्लास आपको पता चल गई है तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो हम डिटरमाइन कर लेते हैं इसमें आपके लोअर क्लास दैट विल बी इक्वल टू वन फिफ्टी ठीक है और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है दैट इज़ वन वन सिक्स सी एफ जो से प्रीवियस क्लास की फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ वन फिफ्टी वन और आई तो आपका टेन है और कैपिटल एन की वैल्यू आपके पास थ्री नाइन्टी है कोई दिक्कत ही नहीं है अब मैं इसके अंदर मीडियन को कैलकुलेट करने के रिकॉर्डिंग फॉर्मू को कर अप्लाई करूंगा फॉर्मूला क्या है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इन टू आई एल का मतलब कितना जाएगा दैट इज़ वन फिफ्टी प्लस एन अपॉन टू एन अपॉन टू का मतलब ये निकाला आपने वन नाइन्टी फाइव तो डायरेक्टली इसको वन नाइनटी फाइव लिख दे रहा हूँ कोई दिक्कत ही नहीं है माइनस सी एफ वन फिफ्टी वन अपन एफ एफ इज यू इक्वल टू वन वन सिक्स इंटू आई की वैल्यू कितनी आएगी टेन इसे आप सॉल्व कर लीजिए आप वन फिफ्टी प्लस फाइव माइनस वन फोर नाइन माइनस फाइव फोर ठीक है अपन वन वन सिक्स इंटू टेन चार से कैंसिल रह जाएगा छः सात और एक आठ चार दुनिया आठ पचान छत्तीस तो ये आएगा आपके पास वैल्यू इक्वल टू वन फिफ्टी प्लस ग्यारह एक सौ दस वन टेन ट्वेंटी नाइन और जब इसमें आप डिवाइड करोगे वन टेन को ट्वेंटी नाइन से देन यू विल गेट द वैल्यू इक्वल टू थ्री पॉइंट सेवन नाइन ठीक है देन यू विल गेट द फाइनल वैल्यू वन फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन नाइन दिस इज द मीडियम ऑफ द गिविन डेटा नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज एज फॉलोज एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिविन यहां आपको वेरियबल्स दे रखें जीरो टू टेन टेन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी थर्टी टू फोर्टी फोर्टी टू फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी एंड सिक्सटी टू सेवेंटी तक ठीक है फ्रीक्वेंसी दे रखी है टेन ट्वेंटी क्वेश्चन मार्क फोर्टी क्वेश्चन मार्क ट्वेंटी फाइव और फिफ्टीन यू आर गिविन दैट द मीडियम वैल्यू इज थर्टी फाइव फाइंड आउट मिसिंग फ्रिक्वेंसी ऑल्सो समिशन एफ इजिकल टू वन सेवेंटी तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसका मतलब ये फ्रिकवेंसीज़ आपको नहीं पता है आपको इन फ्रिक्वेंसीज़ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मिसिंग फ्रिकवेंसीज़ के रिगार्डिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होता है तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो ये देख लेते हैं कि जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं हमने मान लिया कि ट्वेंटी टू थर्टी के करस्पॉन्डिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ़ वन और फोर्टी टू फिफ्टी के करस्पॉन्डिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ टू है तो मिसिंग फ्रिक्वेंसी ये हम एज्यूम कर रहे हैं लेट फॉर ट्वेंटी टू थर्टी इजिकल टू एफ वन एंड फॉर फोर्टी टू फिफ्टी इजिकल टू एफ टू ठीक है अब ये टोटल दे रहे थे कितना है इसका टेन प्लस ट्वेंटी थर्टी थर्टी प्लस फोर्टी सेवेंटी सेवेंटी प्लस ट्वेंटी फाइव नाइन्टी फाइव नाइन्टी फाइव प्लस फाइव हंड्रेड वन वन जीरो हो गया और प्लस एफ वन प्लस एफ टू और ये कितना दे रखा है आपको दैट इज गिविन यू वन सेवेंटी तो समेशन एफ की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या वन वन जीरो प्लस एफ वन प्लस एफ टू एंड दिस इज इक्वल टू वन सेवन जीरो सीर ठीक है अब वन वन जीरो को इधर ले जाओगे तो वन सेवेंटी में से माइनस हो जाएगा ये तो ये बचेगा आपके पास एफ वन प्लस एफ टू इजिकल टू यह लिख लेते हैं इसको एफ वन प्लस एफ टू इजिकल टू वन सेवन जीरो माइनस वन वन जीरो ठीक है और एक सौ सत्तर में से सो गया डेट इज सिक्सटी इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट डाल के छोड़ दिया क्योंकि एफ वन प्लस एफ टू की वैल्यू आ गई मेरे पास सिक्सटी के बराबर ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल दी अब मुझे देखना है कि मीडियम क्लास कौन सी है मेरी क्योंकि मीडियम कितना तरह है मीडियम इज इक्वल टू थर्टी फाइव थर्टी फाइव है तो मतलब पता थर्टी से ज्यादा है फोर्टी से कम है तो मीडियम क्लास ऑब्वियसली कितनी होगी थर्टी टू तो फोर्टी होगी सो so, मीडियम क्लास विल बी इक्वल टू थर्टी टू फोर्टी ये बताओ ये तो क्लियर हो रहा क्योंकि 30 40 हो क्योंकि है क्योंकि थर्टी टू फोर्टी होगी क्योंकि थर्टी फाइव है मीडियन यानी कि तीस सौ चालीस के बीच में लाई कर रहा है दैट इज़ क्लियर थर्टी टू फोर्टी होगी अच्छा अब इसका करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू कितनी हो गई थर्टी हो गई थर्टी टू फोर्टी की करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी कितनी है थर्टी टू फोर्टी की करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है आपकी चेक कर लीजिए फिगर से ये है फोर्टी ठीक है अब मुझे सी एफ देखना है सी एफ कैसे निकालेंगे क्योंकि थर्टी टू फोर्टी के करेस्पॉन्डिंग सी एफ का मतलब है इससे पहली वाली क्लास तक की फ्रिक्वेंसी तो कितनी है टेन प्लस ट्वेंटी प्लस एफ वन हो जाएगी तो आएगी टेन प्लस ट्वेंटी थर्टी थर्टी प्लस एफ वन तो सी एफ जो काउंट करेंगे यहाँ पर हम काउंट करेंगे थर्टी प्लस एफ वन तो क्योंकि जो मीडियम क्लास है उससे प्रीवियस क्लास की सी एफ होगी तो उसके लिए उससे पहली वाली क्लास जितनी भी है उनको हमने ऐड कर दिया फ्रिक्वेंसी को तो उससे पहले कौन कौन सी दे रखी है एफ वन दे रखी है ट्वेंटी दे रखी है टेन दे रखी है तो थर्टी प्लस एफ वन हो जाएगी सी एफ क्लियर हो गया यहाँ तक आई आपको पता ही टेन है एन का मतलब समेन एफ एन का मतलब है समेसन एफ और उसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितनी वन सेवेंटी तो यहां तो मैं मीडियन का फॉर्मूला लगा देता हूं और मीडियन का फॉर्मूला क्या है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ और इन टू आई यहां तो, तो क्लियर है अब आगे देखते हैं हम मीडियन कितना है मीडियम दे रखा है आपको इक्वल टू थर्टी फाइव प्लस एल की वैल्यू कितनी है एल की वैल्यू थर्टी ठीक है एन अपन टू एन का मतलब आपके पास वन सेवेंटी और वन सेवेंटी का हाफ करोगे दो सोलह सत्रह दो पंजा दस माइनस सी एफ करोगे तो थर्टी प्लस एफ वन है तो माइनस थर्टी माइनस एफ वन नहीं आ गए चलिए ठीक कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक एफ एफ इज गिविन यू इक्वल टू 40 into I, I is given you equal to 10. टेन क्लियर अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा 35 minus 30, इधर लेगा 30 को is equal to 85 minus 30, माइनस थर्टी आठ में से तीन गए ये भी पांच, 55 minus F1, इस वन जीरो से एक कैंसर आएगा, अपन फोर आएगा, इस एस फोर की मोटीप्लाई यहाँ कर देंगे पैंतीस में तीस गए पांच बचेंगे और पाँच बीस तो ट्वेंटी इज इक्वल टू कितना हो गया फिफ्टी फाइव माइनस एफ वन इससे एफ वन को इधर ले जाएंगे और ट्वेंटी को इधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे तो एफ वन आ जाएगा आपका फिफ्टी फाइव माइनस ट्वेंटी सिंपल कैलकुलेशन ये बिल्कुल इससे आप वैल्यू निकाल लीजिए एफ वन की तो एफ वन की वैल्यू आ गई मेरे पास इक्वल टू फिफ्टी फाइव माइनस ट्वेंटी पाँच और पाँच में दोगे गए तीन एफ वन की वैल्यू आ गई थर्टी फाइव ठीक है तो ये तो वैल्यू आ गई मेरे पास एफ वन की अब मैं एफ वन की वैल्यू को रखूंगा इक्वेशन नंबर वन में तो फ्रॉम इक्वेशन वन क्या है इक्वेशन वन इक्वेशन वन है एफ वन प्लस एफ टू टू सिक्सटी एफ वन की वैल्यू थर्टी फाइव और प्लस एफ टू टू सिक्सटी ठीक है तो क्या करना है मुझे इसमें ना इस थर्टी फाइव को सिक्सटी में से माइनस कर दूंगा तो एफ़ टू आ जाएगा आपके पास सिक्सटी माइनस थर्टी फाइव और ये कितनी की वैल्यू है ना पाँच पाँच तीन दो तो इससे आपके पास एफ़ टू आ गया ट्वेंटी फाइव और एफ़ वन की वैल्यू आ गई आपके पास थर्टी फाइव ये दोनों आंसर्स हमें इस तरह से रिसीव हो गए ठीक है तो इस तरह से हमने दिए दे हुए डेटा के रेफरेंस में मिसिंग फ्रिक्वेंसीज़ एफ वन इजिकल टू थर्टी फाइव एफ़ टू इजकल टू ट्वेंटी फाइव को कैलकुलेट कर लिया है ओके थैंक यू